हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेड। आज के इस वीडियो में मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्टॉक को लेकर आया हूँ। और आज के दिन जो फॉल आई है वो अचानक से डिप आ गई है, मोर देन 3% की डिप आई है। और ये जो लेवल थी आपके सामने जो डेली चार्ट बनाया है, ये लेवल जो थी वो ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस था। और ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है पिंक वाली, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। लोगों को लगा कि इस लेवल पे ब्रेक हुआ, ऐसा लगा था कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया, बट ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया और ये वापस नीचे की तरफ जाते हुए आपको दिखाई दे रही है। अभी जो रिसेंट इसने हाई बनाई थी, स्विंग हाई जो थी वो कुछ 190 रुपीज की थी, ठीक है। 190 रुपीज के बाद ये कंटिन्यू फॉल आते जा रही है। और अगर मैं इसके फॉल को देखूं, ये कितने परसेंट तक अभी तक फॉल आई है मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको। तो आप देखिए यहाँ पे जो फॉल आई है वो मोर देन 8%, हाँ मोर देन 8% के फॉल आ चुकी है। और अगर मैं वीकली चार्ट पे, आपको बेटर व्यू आएगी इसलिए मैं वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ आपको क्या चल रहा है इसके अंदर। ये सब जो भी प्राइजेस फॉल आ रही है वो बस एक टेक्निकल है और ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है। जो आप फॉल देख रहे हैं वो एक टेक्निकली फॉल है। तो आप देखिए आपके सामने जो ये वीकली चार्ट है, इस वीकली चार्ट पे आप ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाया था तो बहुत ही अच्छी तरीके से इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे रेस्पेक्ट किया, सपोर्ट भी लिया, रेजिस्टेंस भी लिया। और अगर यहाँ से वो वापस रेजिस्टेंस लेता है, आप ये वाला लेवल को देखें, तो अब जो फॉल आएगी अगर ये अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है तो ये फॉल जो आ सकती है वो नीचे वाले ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आएगी। और ये फॉल कुछ अपने हाई से मोर देन 10% के फॉल आ सकती है। यहाँ पे 20% है तो ऑलरेडी इसके अंदर फॉल आ चुकी है 10% की, और 10% और फॉल आनी चाहिए। तो मैं जो भी बता रहा हूँ टेक्निकली बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर बस अभी जो आप फॉल देख रहे हैं, जो डिप देख रहे हैं वो टेक्निकली प्रॉब्लम है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, ये एक डिफेंस की स्टॉक है, एरोस्पेस और इंडियन आर्मी या फिर आर्म फोर्स के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की जरूरत होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनते हैं। आप अगर ब्रह्मोस में देखोगे, आप पृथ्वी मिसाइल में देखोगे, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की इक्विपमेंट बनी है जिससे वो टारगेट को हिट करता है, वो सब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने बनाया है, DRDO ने बनाया है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक डिफेंसिव स्टॉक है और ये अभी बहुत ही अच्छी ट्रेंड में है, एक बुलिश ट्रेंड में है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी बने रहना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आपको एग्जिट करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि देखो टेक्निकली भी कुछ वर्क करती है। अगर आप टेक्निकली देखोगे, आप खुद वीकली चार्ट पे जाकर देखना और ये ड्रॉ ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना आप, और खुद आपको भी दिखेगा कि ठीक उसी जगह पे रेजिस्टेंस लिया है, वहां पे सपोर्ट लिया है, एवरीथिंग सब कुछ वो ट्रेंड लाइन को फॉलो करती हुई जा रही है। वैसे तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दिया हूँ, लेकिन आप देख लेना। और मुझे लगता है अगर ये जो लेवल है, ये लेवल तक ये वापस आएगी, और ये जो लेवल है, जो ये जो प्राइस रेंज है वो 150 का है, मेरे कहने का मतलब 150 तक डिप आ सकती है इसके अंदर। और जैसे कि मैंने बताया मोर देन 10% की डीप आ सकती है, टेक्निकली जो दिखाई देता है वो मैं वही बता रहा हूँ। तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, और अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते हैं तो आप 150 तक होल्ड कर सकते हैं। 150 के प्राइजेस पे आप एवरेज कर सकते हैं, जहाँ पे जब आ जाए प्राइस तो आप यहाँ पे एवरेज कर लीजिए। ये वापस मुझे लगता है अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जाएगी, फिर से ये अपने जो रिस्विंग हाई थी अभी 190 की हाई थी इसे ब्रेक करेगी। क्योंकि अगेन मैं बता दूँ, इसकी जो फंडामेंटल्स है, इसके जो फाइनेंशियल्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, फंडामेंटल्स बढ़िया है, फाइनेंशियल्स अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो ये भी बढ़िया है। तो नो डाउट है अगर आप इसमें होल्ड करना चाहें तो होल्ड कर सकते। और मैं तो यही बोलूँगा कि आपको इसमें नेगेटिव में बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, लॉस में बिल्कुल भी मत निकलिए। आप प्रॉफिट में हैं तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन लॉस में बिल्कुल भी एग्जिट मत कीजिएगा। और क्योंकि अभी डिफेंस के प्रोजेक्ट्स तो अभी और भी कमिंग सून है, अभी डिफेंस के प्रोजेक्ट्स और भी आने वाले हैं, और जहाँ तक एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट जो बजट आएगी उस बजट में डिफेंस के पैकेज भी बढ़ने वाली है। तो बेटर होगा आप एग्जिट ना करें और होल्ड करें,
लेकिन अगर आप प्रॉफिट में है तो जरूर प्रॉफिट बुक कर लें, और जब आपको वापस डिप आती है 150 के लेवल पर वापस आती है तो आप फिर से इसमें एंट्री बना सकते हैं। तो आने वाली वीडियो और आने वाले दिन में मैं और भी प्राइजेस को लेकर अपडेट देता रहूंगा, तो इस तरह के अपडेट लेने के लिए आप टेलीग्राम से जरूर ऐड हो जाइए। वहां पे मैं आपको अपडेट अर्ली अपडेट आपको दे दिया करूंगा, और चैनल के साथ अगर बने हैं तो बने रहिएगा, और भी वीडियोज आते रहेंगे। कुछ अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। मैं वहाँ पे आपको अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक्स बताता हूँ, वहाँ पे अच्छे आपके रिटर्न बन सकते हैं, मोर देन 5%, मोर देन 10% के रिटर्न बनेंगे आपके। तो न्यू चैनल है अभी, अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट में पिन कर दिया है। टेलीग्राम की लिंक अगर कमेंट में ओपन नहीं होती है तो वीपीएन ऑन कर लेना, वीपीएन लगाने के बाद ओपन लिंक हो जाएगी। तो टेलीग्राम एक अच्छा सोर्स है, अब मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पे जरूर आओ, कुछ दिन रह के देखो, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो लीव कर लेना, आगे आपकी मर्जी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताएं। देखिए, ये सब तो लोगों की सोच है, पर पैसा आपका है, दूसरे की सोच पे विश्वास नहीं कर सकते। बस आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको क्या लगता है आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर कीजिए। जी, आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें, आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।